नमस्कार, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोगों को मेरा पिछली वीडियो अच्छे लगे हो और प्लीज उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्रूट्स कस्टर्ड। अब हम चले इंग्रेडिएंट की तरफ। ये 1 लीटर मिल्क है, ये अमूल का है, अमूल फुल क्रीम का यूज कर रही हूँ। उसके अंदर से एक ग्लास अलग रखा हुआ है, इसके अंदर ये ब्राउन एंड पोल्सन्स का कस्टर्ड पाउडर वैनिला यूज करेंगे। 3 टीस्पून वैनिला कस्टर्ड पाउडर यूज करेंगे और कटे हुए ग्रेप्स ग्रीन और कटे हुए ब्लैक ग्रेप्स और पोमग्रेनेट और एप्पल एंड बनाना। बनाना 2 काफ़ी है, और लेकिन अभी मैं पील ऑफ इसलिए नहीं किया, इस ये काला पड़ने का चांस होते। और 100 ग्राम चीनी, 100 ग्राम शुगर और 1 पिंच इलायची पाउडर। अब मैं दूध को उबालने के लिए रख दिया है। अब दूध में अच्छी तरह उबाल आ गए हैं और इसके अंदर मैं 100 ग्राम चीनी रखी है उसको डाल दिया है। इसको अच्छी तरह हिला के रखिए। थ्री टीस्पून कस्टर्ड ले लीजिए। थ्री टीस्पून कस्टर्ड पाउडर डाल दिया है उसके अंदर। ये दूध को आप अच्छी तरह मिला लीजिए और इसमें लम्प्स नहीं होना चाहिए। अब हमारा कस्टर्ड पाउडर अच्छी तरीके से ये दूध में मिक्स हो गया है और इसको मैं धीरे धीरे इसके अंदर डाल रही हूँ। और मैं गैस का फ्लेम को लो रखी हुई है और उसके अंदर अब इलायची की पाउडर जो रखी है 1 पिंच उसको मैं डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह हिलाते रहिए। लो फ्लेम में 5 से 7 मिनट तक इसको हिलाते रहिए। अब 5 से 7 मिनट हो गया है और ये टिक हो गया है। अब मैं गैस फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ। अब हमने फ्लेम ऑफ कर दिया है और इसको साइड में ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब ये ठंडा हो गया है और इसको मैं सर्विंग बाउल के अंदर डाल रही हूँ। सारे फ्रूट्स को इसके अंदर मिला रही हूँ। थोड़ी थोड़ी फ्रूट्स को मैं भजा कर रख रही हूँ, बाद में गार्निश करना है। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करके 2 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रखेंगे हम। उसके बाद इसको 2 घंटे के बाद लेके सर्विंग बोल में डाल के सर्व करेंगे। अब हमारा कस्टर्ड फ्रिज में से 2 घंटे के बाद निकाल दिया गया और ये अब सर्व करने के लिए रेडी है।